IRCTC अकाउंट में मोबाइल नंबर को कैसे अपडेट करते हैं या फिर कैसे चेंज करते हैं। अगर आपको भी अपने IRCTC अकाउंट में मोबाइल नंबर को अपडेट करना है या फिर चेंज करना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप अपने IRCTC अकाउंट में मोबाइल नंबर को अपडेट या फिर चेंज कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने IRCTC में यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके लॉग इन कर लेना है। अगर आप अपने IRCTC का यूज़र नेम या फिर पासवर्ड भूल भी गए हो तो उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं जिनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो। तो यहां पे आपको लॉग इन करने के बाद आपको यहाँ नीचे की साइड में एक ऑप्शन मिल जाता है अकाउंट का, ठीक है। तो ये जो आपको अकाउंट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रोफाइल का, तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने यहाँ पे आपके प्रोफाइल की जो डिटेल है वो सारी की सारी आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एडिट का ऑप्शन, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है एडिट, ठीक है। तो आपको ये जो एडिट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको इस एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने का या फिर उसको चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट कर सकते हो या फिर चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम मोबाइल नंबर को अपडेट करने वाले हैं, तो इसे आपको अपने मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने ये जो नंबर डाल रखा पुराना वाला आपको उसको हटा देना है। इसको हटाने के बाद अब आप जिस नंबर को यहाँ पर लिंक करना चाहते हो या फिर अपडेट करना चाहते हो उस नंबर को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। एंटर कर लेने के बाद यहाँ पे आपको साइड में ऑप्शन मिल जाता है अपडेट वाला, ठीक है। तो ये जो आपको अपडेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। OTP एंटर कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पर सिंपली जैसे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपका जो मोबाइल नंबर होगा सक्सेसफुली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो लिखा हुआ कॉन्ग्रेचुलेशन OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुली फॉर यूज़र, यानी कि आपका जो यूज़र नेम होगा वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आपको चेक करना है कि आपका मोबाइल नंबर अपडेट हुआ है या नहीं तो आपको दोबारा से प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे दोबारा से क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे दोबारा से एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो मोबाइल नंबर है सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो बस यही बताना था इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आती है। पसंद आती है तो एक लाइक करके चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं अपने चैनल पे हमेशा इसी तरह के यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।